अयोध्या में रामलला जी के सूर्य अभिषेक के बाद मेरठ में रामनवमी के मौके पर विश्वामित्र जी की तपोस्थली कगोल तीर्थ स्थल पहुंचे भाजपा प्रत्याशी। देखिए क्या कहा भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल जी ने। आप भी यहाँ आए हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं चल रहा है और आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भी है। आज पावन रामनवमी का दिन है और आज रामलला धरती पर उन्होंने अवतार लिया था और आज सुबह सुबह 12 बजे जब उनका सूर्य तिलक हुआ तो वो पल जो था अद्भुत था। हमने देखा वो उस समय सफर में थे, अभी कहीं जा रहे थे तो वो हमने अपने फोन में देखा और बहुत अच्छा लगा, बहुत पावन पल था वो। रामलला जब से प्रतिष्ठित हुए तब से देश में इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आ गई है कि अब हर चीज जो है वो ऐसा लगता है कि सब चीज अब सही हो जाएगी। जहाँ तक प्रचार की बात है, प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आदर मिल रहा है, बहुत सम्मान है, बहुत प्रेम है, वो मैं भी जानता हूँ, जो हमारे भाई बहन है वो भी जानते हैं, तो वो उनके साथ एक डायरेक्ट कनेक्ट है मेरा, चाहे वो उन्होंने मुझे देखा हो या नहीं देखा हो, एकदम कनेक्ट हो गया है। और अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो वो कनेक्ट जो है ना 1+1=2 हो गया है, वो डबल हो गया है। तो उसका अब जब कोई व्यक्ति किसी का आदर करता है, किसी को चाहने लगता है, यू नो, और तो उन्हें ये पता है कि मेरी जो छवि है वो कैसी है, बहुत ईमानदार व्यक्ति की है, एक सत्य बोलने वाले व्यक्ति की है। तो उनके कैंडिडेट में अगर ये बातें होती हैं तो मुझे बताइए किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है कि हम एक अच्छे आदमी से जुड़े, एक ऐसे आदमी से जुड़े जो वो कह रहा है वो करेगा, तो वो बहुत फर्क पड़ता है। आज की अपोस्थली पर है, इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप रियल आज यहाँ पर मौजूद है, रियल लाइफ में आपने इसको काफी एंटरटेन किया है पब्लिक को इस चीज को लेकर के, तो आज वो किस तरह की अनुभूति है उसको जरा शेयर। नहीं, ये तो ये बातें जो रामायण की बातें वो तो भूल ही नहीं जा सकती, बिल्कुल यहाँ भी आए थे है ना, तो यहाँ उन्होंने राक्षसों का वध किया था, जो भी राक्षस परेशान कर रहे थे, और विश्वामित्र जी उन्हें क्यों लेकर आए थे, विश्वामित्र जी के पास बहुत सारे दिव्यास्त्र थे जो उन्होंने राम जी को दिए बाद में, उन्होंने खुद क्यों नहीं युद्ध कर लिया, राक्षसों को मार सकते थे, वो पता है क्यों नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने क्रोध न करने का वचन लिया था। इसके लिए उन्हें एक व्यक्ति की जरूरत थी जिसके लिए वो दशरथ जी के पास गए और राम जी को लेकर आए। त्रेता युग में राम जी, त्रेता युग में राम जी को जो है महर्षि विश्वामित्र जी यहाँ लाए थे तपोस्थली पर, अब कलयुग में दूसरे राम को, हमारे राम को कौन लेकर आया है मेरठ, कौन लेकर आया मेरठ जी, कौन से महर्षि विश्वामित्र हैं वो? देखिए, जो जहाँ तक मुझे पता है ये फैसले जो है वो दिल्ली में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो करता है, तो मुझे लगता है वही लाए हैं, मोदी जी लाए हैं। और आप कितनी बड़ी जीत हासिल करेंगे? देखो भाई, ये मेरा पहला चुनाव है, ठीक है, तो मैं मुकाबलेबाजी मैं किसी से नहीं कर रहा, मेरी पार्टी के संगठन के लोगों से पूछे वो शायद बता पाए अगर वो ऐसा सोचते होंगे तो, क्योंकि मैं जो इस समय कर रहा हूँ वो जनसंपर्क कर रहा हूँ और जनसंपर्क में मुकाबला ना, सर वही से रिजल्ट का पता लग जाता है, क्या लग रहा है आपको जनसंपर्क में? भाई मुझे लोग आवाज मिल रहा है, बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। ठीक, कितनी बड़ी जीत? आज किसी का बेटा विदेश जाए पढ़ने के लिए, ठीक है, विदेश से वो जैसे ही पढ़कर वापस आए अगले दिन कोई आ जाए उसको मांगने के लिए कि हमें समाज कल्याण के लिए अपना बेटा दे दो, क्या दे देगा वो आज की तारीख में बेटा? शायद कोई दे भी दे, कोई बिरला निकल आए शायद ऐसा जो दे दे, लेकिन उस वक्त दशरथ जी ने एक पल के लिए भी नहीं। भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल, MLC धर्मेंद्र भारद्वाज, विनीत शारदा, महानगर अध्यक्ष, ऊर्जा मंत्री जी आदि ने शहीद स्मारक गगोल तीर्थ स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। कल्पनी का नेतृत्व में ध्यान कीजिएगा, वो उनके नारे का महत्व प्रज्ञम सर्वदेव। कसम की बात कर, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, कसम की बात कर, आज काफी सौभाग्य का दिन है, हमारे बीच में हमारे लोकसभा प्रत्याशी
भक्ति कर रहे थे, आप सबने रामायण पढ़ी होगी, तो यज्ञ कर रहे थे यहाँ, और यहाँ राक्षसों को यज्ञ करने नहीं देते थे। जब भी एक शुरू होता राक्षस कुछ भी मांस मज्जा वो सब लाकर उसमें डाल देते थे। तो फाइनली वो महाराज दशरथ के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपका पुत्र चाहिए। श्री राम बहुत वर्षों के बाद गुरुकुल से पढ़कर आए थे। जय श्री राम। श्री विश्वामित्र जी की पावन स्थली है, यहाँ वो एक यज्ञ कर रहे थे, आप सबने रामायण पढ़ी होगी, वो एक यज्ञ कर रहे थे यहाँ, और यहाँ राक्षस उनको यज्ञ करने नहीं देते थे। जब भी यज्ञ शुरू होता राक्षस कुछ भी मांस मज्जा वो सब लाकर उसमें डाल देते थे। तो फाइनली वो महाराज दशरथ के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपका पुत्र चाहिए राम। श्री राम बहुत वर्षों के बाद गुरुकुल से पढ़कर आए थे, तभी थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन राजा दशरथ ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और राम जी को बुलाकर कहा कि राम तुम विश्वामित्र जी के साथ जाओ। क्या आज ऐसा हो सकता है कि हमारा बेटा ये बेटी बाहर विदेश से पढ़कर आए और उसके बाद अगले दिन कोई समाज कल्याण के लिए कोई व्यक्ति उनको मांगने आ जाए, क्या हम दे पाएंगे? देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दशरथ जी ने देश के बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा। तो रामायण एक ऐसी कैसा ग्रंथ है कि जिसका जीवन दर्शन अगर हम 1% भी अपने अंदर उतार लें तो हमारा जीवन बहुत सुखी हो सकता है। और रामायण यानी राम, राम क्या है? राम हमारा जीवन है, राम हमारा गौरव है, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारा गर्व है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा आधार है, राम हमारे सब कुछ है, केवल राम। तो राम और उन्हीं की भक्ति जब हम करते हैं तो वो हमें शक्ति देती है। तो उस शक्ति का कुछ प्रयोग, कुछ ना कुछ प्रयोग हम अपने देश के लिए भी करें, अपने राष्ट्र के लिए भी करें। आज हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं, श्री नरेंद्र मोदी। उनका जो उदाहरण है वो विश्व में अकेला उदाहरण है, वो अकेला है वो व्यक्ति, और इस समय उसकी गारंटी पूरे विश्व की गारंटी हो गई है, सिर्फ हिंदुस्तान की गारंटी नहीं है। वो उस व्यक्ति में इतना कुछ है, हम उस व्यक्ति से ही थोड़ा बहुत अगर सीख लें तो हम अपने शहर को, अपने प्रदेश को, योगी जी देखिए हमारे प्रदेश को उन्होंने क्या बना, क्या से क्या बना दिया है आज, क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दशरथ जी ने देश के बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा। तो रामायण एक ऐसी कैसा ग्रंथ है कि जिसका जीवन दर्शन अगर हम 1% भी अपने अंदर उतार लें तो हमारा जीवन बहुत सुखी हो सकता है। और रामायण यानी राम, राम क्या है? राम हमारा जीवन है, राम हमारा गौरव है, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारा गर्व है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा आधार है, राम हमारे सब कुछ है, केवल राम। तो राम और उन्हीं की भक्ति जब हम करते हैं तो वो हमें शक्ति देती है।